भगवान का अनंत अनुग्रह है। हम इस पवित्र वैशाख मास में श्री कलिंग तनया के पूर्व तट के ऊपर बैठ करके
उनका नहीं राज्य के द्वारा परिपूजन कर रहे हैं। इतने संतों की समिति है पवित्र वैदिक ऋषि कुमारों और आचार्यों की समिति है ब्रह्मवासियों की समिति। यहाँ दो श्वास भी लेने को मिल जाए तो जीवन की प्रकार होता है। हम लोग यहाँ बैठने का अवसर पाते हैं ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है। इसको सबसे बड़ी कृपा भगवान की माना जाता है। मनुष्यत्व मुख्यत्व और महापुरुष महापुरुषों के विषय में सद्गुरु के विषय में मंत्र के विषय में और अपने इष्ट जो श्री विग्रह हमारे साथ उसमें हमारी जितनी श्रद्धा होगी उतनी शीघ्र उसका फल होगा। मंत्र में देव में और गुरु में यादृच्छिक भावना जैसे सिद्धि बढ़ता है तत्काल भी फल देखने को मिलता है। विद्वानों में ये लोक श्रुति है और नहीं अमूला जनश्रुति सर्वथा अमूल जनश्रुति नहीं होती है उनके पीछे कुछ भेद होता है। हमारे खंडन खंड कार्य के पिताजी कन्नौज राज्य के सभा पंडित थे विद्वान। विद्वानों में पहले जैसे पहलवान लोग आपस में कुश्ती लड़ते हैं उसी तरह विद्वानों का भी आपस में शास्त्रार्थ हुआ करता था और इसमें विजय पराजय हुआ करती थी और ये विजय पराजय उसी तरह से ली जाती थी या उससे अधिक ली जाती जैसे आज ये क्रिकेट मैच में या दंगल में पहलवानी में या ओलंपिक में इस स्पर्धा होती है तो उसी तरह इसको स्वीकार किया जाता है। उसमें हार जाना और विद्वान के लिए तो बड़ी कठिन बात थी। श्री हर्ष के पिताजी इतने बहुत पहले विद्वान थे लेकिन न्याय शास्त्र के आचार्य उदयनाचार्य जी से उनके पास न्याय शास्त्र की विद्या थी इसलिए उन्होंने श्री हर्ष के पिताजी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। सभा पंडित का इस तरह से शास्त्रार्थ में पराजित होना राज्यसभा के लिए भी उतना प्रहरणीय नहीं था लेकिन मिश्र जी को तो बड़ी आत्मघाती पीड़ा हुई और उसी पीड़ा में उनका शरीर शांत शरीर के अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने पुत्र को ये श्री हर्ष को और उनकी माँ को बुलाया देखो अगर तुम हमारे पुत्र हो तो हमारे इस पराजय का बदला अवश्य उनकी पत्नी को भी पीड़ा देती है जान नहीं जा रही उनका आपका ये पुत्र है आपकी पराजय का बदला अवश्य देगा। तो उन्होंने श्री हर्ष को चिंतामणि मंत्र दिया। चिंतामणि मंत्र प्रकट नहीं करना चाहिए सबके लिए नहीं हो पिताजी का सत्कर्म करने के अनंतर उनकी मां का अपने पति के ऊपर परिपूर्ण भरोसा और उनके दिए हुए मंत्र के ऊपर पूर्ण श्रद्धा थी।
इसका स्मशान में बैठ के जप किया जाए तो तत्काल अति शीघ्र लाभ होगा। श्री हर्ष विष छोटे छोटे बच्चों को विश्वास बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन भय भी उसी तरह हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको स्मशान में भेजूं ले जाऊंगी तो वहां इसको किसी से भय हो गया, इसका जप सफल नहीं होगा। क्योंकि तो उस उन माता का त्याग देखो, उन्होंने अपने पुत्र को अपने पेट के ऊपर बैठा दिया और कहा बेटा मेरे पेट को छोड़ करके जाना नहीं, ये जो मंत्र तुमको पिताजी ने दिया है इसका जप करना भरोसे से, घबराना नहीं, एक माताजी आएंगी तो घबराना मत। माताजी कहेंगे बेटा वरदान मांगो तो ये कह देना माताजी मैं तो बालक हूँ, मैं क्या मांगूँ, मेरी माता से पूछ लो, मेरे लिए जो कल्याणकारक होगा वो माताजी से पढ़ के कौन जानेगा, आप मेरी माताजी से पूछ लो। तो बालक ने हाँ कह दिया, सरल चित्त और अनंत जन्मों का पुण्य होगा। तब कान्यकुब जी राज्य के सभा पंडित का पुत्र हुआ अंतःकरण और दुर्भागी। ऐसा करके माता ने अपने पुत्र को अपने उदर पर बैठा लिया यहां और अपना शरीर छोड़ दिया, इस आदत से छोड़ा। तो अब उनके शरीर के ऊपर बैठ के जप कर रहा है तो शव के ऊपर ही जप कर रहा है, श्मशान हो गया और सरल चित्त था, उस चिंतामणि का जप किया और इसका संकेत खंडन खंड खाते में भी और नैषध चरितम में दोनों में किया गया है। दोनों विश्व के महानतम खंडन खंड खाते तो थोड़ा मोड़ा हमारा भी परिचय है और नैषध तो अब क्या कहा जाए, विद्वान विद्वानों की वो परीक्षा की गई है। नैषध का उदय हो जाए तो फिर तो खैर, उन्होंने जप किया और उनके पवित्र अंतःकरण के कारण, परिपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के कारण और उनकी माता के सर्वोच्च त्याग के कारण ऐसी परिस्थिति बनी कि माता जी तत्काल प्रकट हो गई। माने घंटों दिनों की बात नहीं है। और माता ने कहा बेटा तो हमसे वरदान कब मांगो, कह मैया मैं तो जानता नहीं हूँ, मेरी मैया से पूछ लो, जो कहेगी वही दे। तो माता जी बड़े भगवती ठोकर मार करके पैर की सब उठे थे, अरे उठ, अपने जीवित होने का पहले से इंतजाम कर लिया था। और माता जी का विश्वास देखो कि मैं अवश्य जीऊंगी, पुत्र का परम कल्याण करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। उस चिंतामणि मंत्र के प्रभाव से श्री हर्ष इतने बड़े पंडित हो गए, इतने बड़े पंडित हो गए कि लोगों को उनकी भाषा ही समझ ना आवे। अब शास्त्रार्थ करें तो उनको कुछ किसी को सफल ले जा रही समझ ना आवे, पकड़ा रहा है तो जो लोग नहीं जीत पाते थे उनको पागल कह देता। तो फिर माता जी से उन्होंने प्रार्थना की, माता जी अब ऐसी कठिन विद्या मत दो, थोड़ा इसको सरल कर दो, कोई समझता ही नहीं मेरी भाषा को। तो माता जी ने कहा मैं वरदान तो क्या वापस लूँ, तुम ऐसा करो कार्तिक के महीने में सिर गीला करके और उड़द का सेवन करना, ये उड़द जो है ये बुद्धि को कम करती है। और कार्तिक मास में या दिनों में संध्या के अनंतर दधि का सेवन नहीं करना चाहिए। अभी बहुत लोग हमारे यहाँ संध्या समय है ये अनंतर दधि का सेवन नहीं करते हैं, हम लोग जानते हैं अपने बैक्टीरिया जो कि उनके अलग जो भी प्रभाव होता हो तो उसके कारण तुमको कफ हो जाएगा,
और कफ हो जाने से तुम्हारी बुद्धि थोड़ी कुंद हो जाएगी, तब तुम्हारी बात लोग समझेंगे। और यही श्री हर्ष मिश्र जब अपनी रचना लेके कश्मीर में शारदा पीठ थी, माता जी ग्रंथ को स्वीकार करती थी, तो वहां पहुंचे। बाकी घटना फिर समय होगा इस तरह से का प्रवेश हुआ तो माता जी ने ग्रंथ नीचे गिरा दिया। क्या क्यों लूरी हो गई हो क्या? अरे पंडित हमारा ग्रंथ कर दिया, ग्रंथ गिरा दिया। अरे तुमने मेरे को विष्णु पत्नी कहा है, तुमने मेरे कौमारत्व का खंडन किया है। तो श्री हरि ने कहा माता जी उस पुराण में देखो वर्णन है कि नहीं है। तब माता जी ने स्वीकार किया और उसमें सही की। आज वो खंडन खंड खाद्य की अगर कोई छह पंक्ति भी लगा दे तो पंडितों का भी पंडित माना जाता है। नैषद महाकाव्य, अरे उसमें तो ग्रंथे ग्रंथ रही क्वचित क्वचित न्यासी प्रयत्नान माया, उसमें कुछ ऐसी जगह डाल दी है कि जब तक कि कोई अपने गुरु का श्रद्धा पूर्वक चरण सेवन नहीं करेगा बिना गुरु कृपा के नैषद की उन पंक्तियों का उन ग्रंथियों का छेदन नहीं कर सकता है। ऐसा दिव्यतम ग्रंथ पंडित श्री हर्ष मिश्र ने लिखा और भी है, लेकिन ये बहुत मुख्य हैं। उनकी माता को धन्य है और श्री हर्ष मिश्र को धन्य है। मंत्र के विषय में उनकी अपार श्रद्धा है, अपने पति और बच्चे के पिता और गुरु के ऊपर उसका परम विश्वास है। वो फल सिद्धि प्रकट की। माय डियर, जिसकी अपने गुरु के ऊपर जितनी श्रद्धा, जिस श्रेणी तक श्रद्धा है, मंत्र में जिस पराकाष्ठा तक श्रद्धा है, अपने इष्ट देव में जिस पराकाष्ठा तक श्रद्धा है, उस तरह की श्रद्धा का परिणाम अनुभव में आता है। परमात्मा आपके श्रद्धा में अभिवृद्धि करे। श्रद्धा से सौम्या, ऐसा शास्त्र भी आदेश देते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः। तो ये शास्त्रों का आदेश है, श्रद्धा युक्त होकर के अपनी साधना में संलग्न होंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य महापुरुषों के चरणों में वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। ऋषि कुमार सहित आचार्य जी अन्य मित्रों का वंदन करता हूँ तथा आप सब भाई बहन जो यहाँ विद्यमान हैं और जो विज्ञान के माध्यम से हमारे सम्मुख बैठे हैं, सबकी मंगल कामना करके यमुना मैया को प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री।